नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं जिस लैंड के ऊपर जिस जगह पे खड़ा हूँ ये सेक्टर 67 की लैंड है। और ये जो लैंड है ये पूरी कमर्शियल बेल्ट है 58 एकड़ की सेक्टर 67 की। और 67 का ये वाला जो पार्ट है ये लगता है सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ, क्योंकि ऑलरेडी रनिंग है। और इसी कॉरिडोर के सामने अगर बात करेंगे तो सेक्टर 68 आ जाता है। तो मैं जिस पार्सल के ऊपर खड़ा हूँ यहाँ पे आने हैं एसईओ प्लॉट, और मेन मेजर इसका जो फ्रंट आता है वो सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ आता है जो कि रनिंग है। और जितनी भी आप ये फ्लैग देख रहे हैं जहां जहां, और इस कमर्शियल बिल्डिंग के दूसरी साइड भी लैंड पार्सल, यानी ये यू आकार के अंदर ये लैंड पार्सल आता है। और ये लैंड पार्सल है डीएलएफ के, डीएलएफ यहाँ पे एसईओ प्लॉट लॉन्च करने वाला है जल्दी। आप फ्लैग भी देख रहे हैं, फ्लैग भी आपको डीएलएफ प्रॉपर मेंशन किया गया है। और ये बगल में जो आप कमर्शियल देख रहे हैं ये जेएमबी का है, ये रनिंग है। इसमें कुछ ऑफिस स्पेस खुल चुके हैं, क्रोमा का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो भी आ चुका है। और इसी लैंड के जस्ट बैक साइड जहां वो फ्लैग की जो मार्किंग आप देख रहे हैं उसके पीछे से रेजिडेंशियल बेल्ट शुरू हो जाती है और 24 मीटर का सेक्टर रोड निकलना है। यानी एक फ्रंट तो लग गया आपका सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ, दूसरा फ्रंट लग गया, बैक लग गया आपका 24 मीटर सेक्टर रोड के साथ। तो जैसे ये फ्लैग एंड होते हैं उसके दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो ये अंसल एसेंसिया की बेल्ट आती है, लैंड आती है, टाउनशिप आती है, जिसके अंदर लो राइज के काफी डेवलपरों ने मिलकर यहाँ पे फ्लोर लॉन्च किए गए हैं। एसेंसिया में अंसल ने यहाँ पे प्लॉट लॉन्च किए थे और यहाँ बहुत सारे फ्लोर है वो बन चुके हैं। लेकिन इन सब एरिए के लिए कोई भी इस आसपास के एरिए कमर्शियल प्रोजेक्ट जरूर है, कमर्शियल बिल्डिंग भी है, और लेकिन एसईओ प्लॉट नहीं है। इस रोड के ऊपर देखे जाएंगे तो आप ये फर्स्ट टाइम एसईओ प्लॉट, फर्स्ट टाइम ऐसी मार्केट देख रहे हैं जो एसईओ प्लॉट के अंदर आती है। क्योंकि ज्यादातर आप यहाँ पे कमर्शियल देखेंगे ना, जैसे कि आगे ऐलान का है, फिर उसके बाद लैंड पार्सल इसी बेल्ट का बचा हुआ है, तो ये टोटल 8 से 9 एकड़ की लैंड पार्सल है। तो बीच में ये आपका जेएमडी का कमर्शियल आ जाता है जो पीछे तक है, और उसके बाद ये डीएलएफ का आ जाता है, और उसके आगे देखोगे तो आपका एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ जाता है पिरामिड का अफोर्डेबल। तो पिरामिड का अफोर्डेबल वो सेक्टर 67A में आता है, और पिरामिड के जस्ट आगे एक रोड निकलना है जो अपना सीधा एक्सटेंसर रोड से बाईपास आएगा और सीधा कनेक्टेड हो जाएगा मानेसर के पास जाके NH8 के ऊपर। तो एक बाईपास रोड निकाला जाएगा जिसको हम अपर एक्सटेंसर रोड भी बोलते हैं। तो इस एसईओ प्लॉट का बेनिफिट एक तो ये होगा क्योंकि इसमें टोटल 90-91 एसईओ प्लॉट डीएलएफ लेके आ रहा है, 125 गज से लेके 500 गज तक के यहाँ पे एसईओ प्लॉट है। आप देख रहे हैं मार्किंग भी हो चुकी है, जो ये येलो पोल आप देख रहे हैं ये मार्किंग है प्लॉटों की, ठीक है। और इसके अंदर तकरीबन 20 से 25 प्लॉट डीएलएफ खुद डेवलप करके रेंट आउट करेगा ब्रांड्स को, और कुछ प्लॉट यहाँ पे सेल करेगा। यानी आप डीएलएफ की ये पहली ऐसी टाउनशिप मान सकते हैं जिसके अंदर डीएलएफ खुद भी डेवलप करेगा, बना के रेंट आउट खुद भी करेगा, दूसरा है कि कस्टमर को भी सेल करेगा। यहाँ पे सिर्फ प्लॉट मिलेंगे आपको, बनाना आपको खुद पड़ेगा, बेसमेंट G+4 आप यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे ना इस लाइन में कोई भी ऐसी मेजर मार्केट नहीं थी जो इस टाइप का ऐसा सिस्टम हो कि जहां पे अच्छे ब्रांड्स आ सके। सिर्फ एक ब्रांड है जो कि आर्या मॉल के अंदर है, जो कि इसके अपोजिट साइड में है, आर्या मॉल है। एरिया मॉल के अंदर क्यों इतने ब्रांड आए, उसका रीजन था कि एरिया मॉल ने ना लीजिंग पावर अपने पास रखी हुई थी, उसने कस्टमर को के पास हैंडओवर नहीं किया, तो इसलिए वो मॉल आज के टाइम इस एरिया का सबसे टॉप का मॉल है। और एरिया मॉल के बाद फिर दूसरा जो डिलीवर हुआ वो ऐलान, फिर आपका जीएमडी, ये कोई खास इतने लीजिंग पावर के अंदर नहीं चल पाए हैं क्योंकि ये काफी टाइम से बने हुए तो हैं लेकिन इसके अंदर कोई ज्यादा हलचल अभी तक नहीं हुई। लैंड हमेशा आप किसी भी हाईवे के ऊपर, किसी भी सेक्टर फ्रंट के ऊपर जाते हैं तो लैंड कभी भी आपको नुकसान नहीं देती है। और एसईओ प्लॉट तो ऑलरेडी चलेंगे, रीजन क्या है कि क्योंकि यहाँ पे डीएलएफ खुद इन्वॉल्व है, 20 से 25 प्लॉटों के ऊपर खुद ही कंस्ट्रक्शन करके उसको लीजिंग करेगा। दोस्तों ईवाई शुरू हो चुकी है, आप बाजार के अंदर काफी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मारामारी होने वाली है वो अलॉटमेंट को लेके हो सकती है क्योंकि लिमिटेड प्लॉट है, ज्यादा प्लॉट नहीं है। और यहाँ पे जो रेट लमसम अगर हम बात कर सकते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए के लमसम यहाँ पे रेट है वो आ सकता है, और यहाँ पे लिमिटेड ही प्लॉट है, ज्यादा नहीं है,
यहाँ पे एक अच्छी मार्केट डेवलप हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे गांव नहीं लगता है, साइड में कमर्शियल है, साइड में कमर्शियल है, कुछ ये मकान आते हैं लोकल है, लेकिन ये कमर्शियल बेल्ट का एक पार्ट है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद यहाँ भी कमर्शियल एक्टिविटीज कुछ ऐसी देखी जा सकती है। इसके पीछे 24 मीटर सेक्टर रोड है, उसके जस्ट फिर 24 मीटर के दूसरी साइड आपकी रेजिडेंशियल बेल्ट आ जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा अंचल असेंसिया को कवर करता है, और उसके बाद फिर आप सीधे एक्सटेंशन रोड को कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ का जो मेजर पार्ट है, चलता हुआ रोड है, चलती हुई पब्लिक है, यहाँ पे इस टाइप की मार्केट है वो डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों आपके लिए ये एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरा, अगर मैं कंपेरिजन करूं कि आप जैसे डीएलएफ सेक्टर 66 सेक्टर 77 में प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, वहां भी 6 से 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है, क्योंकि वहां पे मेजर फ्लैट का जो यूनिट है नंबरिंग वो बहुत ज्यादा आने वाली है। यहाँ पे ये लिमिटेड है, सेम टिकट साइज वहां है, सेम टिकट साइज यहाँ पे है, इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी एसयू लैंड की है, इतनी ही आपकी अपार्टमेंट की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी चीज एक थोड़ा इफेक्ट डालती है कि इस लैंड पार्सल के ऊपर भी आप उतने ही प्रकार की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपकी 2.5 साल के अंदर आपकी पेमेंट है वो जानी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि डीएलएफ जहां भी आता है अपना कुछ न कुछ छाप हर प्रोजेक्ट के ऊपर छोड़ देता है। जैसे कि एसपीआर रोड पे सबसे पहले इन्होंने डीएलएफ अल्मेडा को लॉन्च किया था प्लॉट की टाउनशिप के ऊपर, वहां लोगों को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है, आज वहां भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा रिटर्न वहां लोगों को मिल चुका है, और वहां भी अभी डीएलएफ की बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है वहां भी आनी है, और यहाँ भी डीएलएफ ने कुछ टाइम पहले ही इसी प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट साइड सेक्टर 68 के अंदर 15-16 प्लॉट ओपन किए थे, वो भी जल्द सोल्ड आउट हो चुके थे, तो वहां भी लोगों को इन्वेंट्री नहीं मिल पाई थी। तो यहाँ पे एक ये अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, आप ट्राई कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इस टाइप की इन्वेस्टमेंट के अंदर जाना चाहते हैं तो ये राइट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी वीडियोज यहाँ पे लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।